तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद इमारतों के मलबे से शवों के निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कुदरती आफत में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी ओर इस भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को तबाह कर दिया है। तुर्की में भूकंप के कारण तबाही मची हुई है। भारत समेत दुनिया भर के देश तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेज रहे हैं। कई देशों की सेनाएं तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच तुर्की के प्रति संवेदना दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा ली। पाकिस्तान तुर्की में आई इस आपदा को अवसर में बनाने की कोशिश में था, लेकिन वो उसको उल्टा पड़ गया। दरअसल शहबाज शरीफ ने तुर्की के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 8 फरवरी को अंकारा की यात्रा का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि देश में इस वक्त प्राकृतिक विभीषिका को झेल रहा है। वहाँ VIP दौरे पर संसाधनों को नहीं झोंकना चाहिए। ऐसे में तुर्की ने खुद ही PM शहबाज शरीफ की अगवानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद देश विदेश में पाकिस्तान की कूटनीति और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर थूथू हुई थी। वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल वासित का इस पर बयान आया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट वासित ने कहा कि पाकिस्तान को ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए कि मुल्क के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी भी हुकूमत के इस कदम पर मजाक उड़ा रहे हैं। पहले तो आपने तुर्की की ओर से सहमति के बिना यात्रा का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि इस मौके पर वजीर आजम को तुर्की जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा पहली बार हुआ हो। 1999 में भी पाकिस्तान के साथ ऐसी घटना घट चुकी है। उस वक्त भी तुर्की में भीषण आपदा आई हुई थी। उस वक्त भी तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहाँ जाने की कोशिश की थी। बाद में राजदूत और विदेश मंत्रालय ने उनसे अनुरोध किया था कि वो अभी नहीं आए। पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल वासित ने कहा कि तुर्की भले ही हमारा दोस्त मुल्क है और इस दौरे की सराहना भी करता, लेकिन हर एक चीज का एक वक्त होता है। ये समय नहीं है कि हम वहाँ प्रोटोकॉल और सुरक्षा की जिम्मेदारी से तुर्की सेना का ध्यान भटकाए। ऊपर से हमारा डेलीगेशन भी भारी भरकम जाता है। ये मौका नहीं है कि जब हुकूमत की पूरी मशीनरी इस भयानक आपदा से निपटने में लगी हुई हो, वैसे में बाहर से कोई प्रधानमंत्री आ जाए और पूरा मशीनरी उसकी सुरक्षा प्रोटोकॉल में लग जाए। उन्होंने कहा कि हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आगे से इन मामलों में और इस किस्म के सोसे नहीं छोड़ने चाहिए जो बेवक्त के सोसे हों। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देश रक्षा और व्यापार क्षेत्र में भी करीबी से काम कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को आग भूंद कर समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के चक्कर में कश्मीर से लेकर अन्य कई मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आग उगलने वाला तुर्की जब बेहाल हुआ तो भारत ने तुरंत मदद की पेशकश कर दी। भारत जिस तरह से तुर्की में जारी राहत और बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, वो पाकिस्तान को तो नहीं ही भा रहा होगा, लेकिन वो खुद कभी कंगाली में जी रहा है तो उसके पास अपने इस करीबी दोस्त को देने के लिए कुछ है भी नहीं।